सीआईए चीफ के कीव दौरे के बाद आठवीं हमले की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। युद्ध के 8 महीने बाद न्यूक्लियर अटैक का सबसे ज्यादा खौफ इस वक्त है। यूक्रेन में सीआईए डायरेक्टर के सीक्रेट दौरे से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये कि क्या न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं पुतिन, क्योंकि सीआईए के डायरेक्टर का यूक्रेन पहुंचना और सीक्रेट दौरा जो उनका है वो इस तरीके की आशंकाओं को और ज्यादा बढ़ा रहा है। सीआईए के चीफ यूक्रेन पहुंचे हैं और उनकी जो सीक्रेट ये दौरा है उसको लेकर आशंका लगातार बढ़ती हुई। 8 महीने हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़े हुए और ऐसे में एटमी हमले की चिंता लगातार बढ़ती हुई और इसी बीच सीआईए के चीफ पहुंचे हैं यूक्रेन एक सीक्रेट दौरे पर और इसी को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राजीव नयन विदेश मामलों के जानकार हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है एक बहुत बड़ा खतरा एटमी युद्ध का। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो है वो खड़ा है सामने और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहले शुरुआती तौर पर जो बाइडेन कह रहे थे इसे सीरियस लेने की जरूरत है, नेटो कह रहा था सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस वक्त नेटो और 13 देश मिलकर न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे थे उसी वक्त रूस की तरफ से भी न्यूक्लियर ड्रिल का वीडियो वायरल होना, उसका सामने आना क्या बताता है? देखिए, एक तो आपने जैसी बात कही कि 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं युद्ध के और पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी युद्ध में जिसपे कि दोनों जो बड़े शक्तियां हैं, जो अभी तो ग्रेट पावर्स कहते हैं, एक समय में सुपर पावर्स कहते थे जी, ये उलझे हुए नहीं है। फिर भी परमाणु युद्ध की बार बार बात की जा रही है। अंतिम बार जो परमाणु युद्ध की बात की जा रही थी जिसका कि अभी 60वां हमने एनिवर्सरी भी मना रहे हैं, तो समय ही है, लेकिन इतने ज्यादा बार परमाणु शब्द का इस्तेमाल होना न्यूक्लियर वर्ड का अपने आप में एक चिंता का विषय है कि यह क्यों युद्ध की नीति में आ गया है। अब किस तरह से आया है, या डिटरेंस में आया है या मोबिलाइजेशन का है, अलग विषय है जिस पर कि हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन निश्चित यह चिंता का विषय है। युद्ध के बीच में इस तरह का ड्रिल करना, चाहे कोई भी हो, चाहे वह नेटो हो या चाहे रूस हो, ये इस चिंता को और कहीं ज्यादा बढ़ाता है कि इसकी क्या आवश्यकता है। इससे आप एंग्जायटी, एक चिंता पूरे दुनिया में फैला रहे हैं। इससे भी ज्यादा मान लिया कि खुदा ना खास्ता कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ गलती से कुछ छूट गया, कुछ हो गया, भले उसका परिणाम उतना तत्काल न हो लेकिन एक दूरगामी परिणाम तो हो ही सकता है। तो ये एक चिंता का विषय, क्या सचमुच इस्तेमाल करेगा, इस पर एक बहस हो सकती है, एक चर्चा हो सकती है कि ऐसी स्थिति में क्या सचमुच दोनों ने एक मन बना लिया है कि परमाणु युद्ध का करेंगे ही करेंगे। ऐसा प्रतीत नहीं होता है क्योंकि दोनों तरफ की जो शक्तियां हैं वो जानते हैं कि इसके दुर्गामी परिणाम। बिल्कुल, बात उसी पर करनी भी चाहिए डॉक्टर नयन, ताकि दुनिया समझ सके इस बात को कि कहना आसान है लेकिन इसके परिणाम कितने दुर्गामी है, कितने विध्वंसक होंगे, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। जब बात न्यूक्लियर अटैक की करते हैं या न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की करते हैं तो किस तरीके के इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं दुनिया भर में? देखिए, अभी तो आपने एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट पेश किया जो कि आते रहता है, ऐसी रफ्तें आते रहती है। इसमें कुछ विज्ञान भी है, कुछ राजनीति भी है। विज्ञान है, सही बात है कि अब आप कितने किलो टन का, कितने किलो, कितना मेगा टन का आप हथियार का, परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो विध्वंस उसी तरीके से होगी, उसी स्तर की होगी, उसी पैमाने की होगी। बिल्कुल डॉक्टर नयन, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।